नमस्कार, आप देख रहे हैं एसर टेलीकॉम आपका चैनल। मेरे साथ में है एसर टेलीकॉम के 28 जून का बैच और यहाँ पे है और हम लोग बात कर रहे हैं वही हमारे 3 दिन का आउटपुट। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मेरे साथ में स्टूडेंट है, आपका नाम क्या है? नितीश मलिक। नितीश, आप मुझे बताओ कि 3 दिन 4 दिन में क्या क्या सीखा आपने? कंपोनेंट सीखे हैं मैंने, अपना बैटरी कनेक्टर वगैरह सब सीखे हैं। वीवेक का सेक्शन ट्रेसिंग सीखा आपने? अगर मैं आपको कोई मोबाइल दे दूं और ईयर पीस का सेक्शन या रिंगर का था उसको ट्रेस कर लोगे? अगर मैं आप लोग से पूछता हूँ अगर आपके पास कोई BSI का फॉल्ट आया तो उसको बना लोगे क्या? वेरी गुड। अगर मैं आप लोग से पूछता हूँ कि अगर बैटरी कनेक्टर पूरा खा जाए तो बना सकते हैं? कोई सा भी कंपोनेंट हो, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये आप चेक कर सकते हो कितने भी प्रकार का क्यों ना हो। चलो यहाँ पर हम बात करते हैं, एक हम अपने एक स्टूडेंट को उठाते हैं। उठिए, आपका नाम क्या है? अभिजीत। अभिजीत, आप कहाँ से हैं? मुंबई से। तो मुंबई से है, आप ये बताइए कि रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? रजिस्टर होते हैं 7 प्रकार। कौन कौन से बताइए? नॉर्मल रजिस्टर, डुअल रजिस्टर, 3 बता दो बस। फ्यूज रजिस्टर, कोड रजिस्टर। ठीक है, आपने बता दिए इतने। अच्छा ये बता दो कि इनमें से जितने भी बताए हैं उसमें से किस पर हम जम्पर मार सकते हैं, किस पर नहीं मार सकते हैं? नॉर्मल रजिस्टर पे मार। नॉर्मल पे भी? कौन से पे? नॉर्मल कितने आते हैं बताओ? नॉर्मल मतलब सीरीज ऑफ पैलर आते हैं ना? सीरीज ऑफ पैलर। अच्छा बताओ आपको सीरीज ऑफ पैलर का नॉलेज हो गया कि नहीं हो गया? अभिजीत, आप कोई सा भी कंपोनेंट दे दू तो आप बता दोगे सीरीज में कि पैलर में? यस सर। सो आप ये बता दो कि नॉर्मल रजिस्टर सीरीज में भी होते हैं और पैलर में भी होते हैं? हाँ सर। सो अगर मैं बोलूं कि कौन सा रजिस्टर को जंपर नहीं मार सकते बताइए? पैरेलल रजिस्टर को जंपर नहीं मार सकते। चलिए आप बताइए किस किस को जंपर मार सकते, किस किस को नहीं मार सकते? पैरेलल रजिस्टर को जंपर नहीं मार सकते हैं। दूसरा सीरीज मार सकते, कोड रजिस्टर को मार सकते हैं क्या? तो मुझे बताइए क्या हम कोड रजिस्टर में जंपर मार सकते हैं? नहीं सर। क्यों नहीं मार सकते? अगर अच्छा कोड रजिस्टर कहाँ लगे होते हैं? चार्जिंग सेक्शन में, इनपुट में क्या आउटपुट में? इनपुट में, आउटपुट में। चार्जिंग सेक्शन के इनपुट में क्या आउटपुट में? आउटपुट में। आउटपुट में अगर ये कोड रजिस्टर को मैं जंपर मार देता हूँ तो क्या फॉल्ट आ सकता है? चार्जिंग पॉज। चार्जिंग पॉज, फेक चार्जिंग। ये आप सबको बताया था कि नहीं बताया था प्रैक्टिकली? सब फेक चार्जिंग आता है यहाँ पर। So, अगर बता फ्यूज रजिस्टर को जंपर मार सकते हैं क्या? नहीं मार सकते। 2R2 कोड रजिस्टर की वैल्यू क्या? वैल्यू बताओ। 2.2 ओम्स। अगर 2K2 होगी तो ये हाई वैल्यू है कि लो वैल्यू है? हाई वैल्यू है। सो आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। मतलब क्या सोच के आते? क्या सोच के आते कि यहाँ पर सीखोगे या क्या सोच के आते? मतलब बहुत बेटर लेवल का मैकेनिक बनने की सोच में आए थे। अभी क्या आपको जितने 4 दिन में क्या आपने पढ़ा यहाँ पर? मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, 4 दिन में इतना सब कुछ सीख लिया कि मतलब कहीं भी अपन कुछ भी काम कर सकते, पर अपने को और कुछ बहुत सारी चीज़ है वो सीखनी है। अच्छा ये कितने साल का एक्सपीरियंस है? तो भी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है। तो अब भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। जीरो है। तो मतलब वही सारी चीज़ें जब आपने यहाँ पे सीखी तो आप अगर यही चीज़ 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? बहुत कुछ हो जाता सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे। अलग लेवल में बैठे रहते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, इनके लिए ताली बजा दीजिए। तो यहाँ पर एक हमारे साथ स्टूडेंट, आपका नाम बताइए। जी मेरा नाम विकास कुमार दुबे, यूपी से। तो विकास आप मुझे बताओ बाकी जो ये रजिस्टर है पूरे रजिस्टर पर फिर से बता दो। रजिस्टर हमारे मोबाइल में 7 प्रकार के पाए जाते हैं। बोलिए। नॉर्मल रजिस्टर। हाँ जी। कोड रजिस्टर। हाँ। फ्यूज रजिस्टर। हाँ। पीडीआर। हाँ। थर्मिस्टर। हाँ। और ड्यूल रजिस्टर और पैकेज। अच्छा ये बताओ विकास की जो थर्मिस्टर होता है वो पैलर होता है कि सीरीज होता है? होता है। अगर थर्मिस्टर 2 जगह कहाँ लगा मिल सकता है? एक चार्जिंग सेक्शन के पास मिलेगा और एक सीपीयू और ईएमएमसी। किसके पास मिलेगा? ईएमसी के पास मिलेगा। अच्छा ये बताइए जो अपना वीडीआर होता है वो पैलर होता है कि सीरीज होता है? किस रजिस्टर में जंपर नहीं मार सकते हैं? नहीं मारेंगे। तो आपको सारे रजिस्टर का नॉलेज है, सारे रजिस्टर चेक कर सकते हो कौन सा पैलर है कौन सा सीरीज है। सो अच्छा मुझे बता रजिस्टर लगे क्यों होते हैं? रजिस्टर हमारे करंट जो एम्पियर होता है। हाँ। मतलब अवरोधक की तरह होता है, मतलब अगर वोल्टेज को कम करना है तो रजिस्टर लगाना है। पैलर और सीरीज दोनों में बताएं कि क्यों लगाया जाता है नॉलेज। बिल्कुल, ये हमें नॉलेज, ये पूरा बताया है कि लीकेज होता है, शॉर्ट होता है कि क्या होता है, सारी चीज नॉलेज है कि नहीं है? क्या रजिस्टर शॉर्ट होता है? नहीं होता है, फिर भी हम शॉर्ट बोलते हैं उसको। चलिए ठीक है, तो कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा। क्या बता बोलना चाहेंगे आप यहाँ पर? 4 दिन में आपने क्या सोचा कि 4 दिन में मुझे इतना कुछ सीखने को मिलेगा क्या? मैं सोचा कि आने के बाद 4 दिन में तो ज्यादा कुछ सीखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन 4 दिन में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। एक महीने का मतलब और टाइम है इतने में तो मैं मोबाइल रिपेयरिंग कंप्यूटर से सीख जाऊंगा।
और पूरे एरिया में मेरा ही नाम होगा। ये बात बहुत है, क्या बात है, ताली बजा। सो अब हमारे साथ एक खास स्टूडेंट है, आप उठिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जॉन है, मैं लंदन से हूँ। आप लंदन यूके से हैं? यूके से। सो इतनी दूर लंदन, सबसे पहले मैं जॉन आपसे सवाल पूछता हूँ, उसके बाद पूछूंगा कि आप क्यों कैसे आए। सो मुझे बताइए कैपेसिटर के बारे में बताइए, कितने प्रकार का होता है? कैपेसिटर दो प्रकार के होते हैं, एक पोलर नॉन पोलर। पोलर कैपेसिटर, और पोलर क्या होता है? पोलर के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव रहता है। पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो वही है। नॉन पोलर का मतलब क्या हो गया? नॉन पोलर में तो हमारे मोबाइल फोन में सबसे ज्यादा क्या लगे होते हैं? नॉन पोलर। अच्छा, कहाँ लगे होते हैं सबसे ज्यादा? पावर सेक्शन में। वैसे जनरली हर सेक्शन में मिलते हैं, लगता है। अगर किसी कैपेसिटर को चेक करना है तो क्या नहीं आना चाहिए? बीप नहीं आना चाहिए। कैपेसिटर शॉर्ट, ओपन, लीकेज में क्या क्या होते हैं? शॉर्ट लीकेज फोन डेड हो, मतलब वो या तो शॉर्ट होते हैं या तो लीकेज, ओपन होते हैं क्या? ओपन नहीं होते। अगर बताइए कैपेसिटर कहाँ लगना बिल्कुल जरूरी है, कहाँ के, किस साइड के कैपेसिटर? पावर सप्लाई। सो आप मुझे बताओ कि कहाँ के कैपेसिटर निकाल देने से काम खराब हो सकता है? बूस्ट कॉइल के पास। ये बोलना सही होगा क्या? ये बोलना सही है क्या कि सर लाइट सेक्शन का, सर ये पावर सेक्शन का? रीजन क्यों? क्योंकि इन दोनों ही सेक्शन में क्या लगी होती है? बूस्ट कॉइल क्यों लगी होते बता दो दर्शकों को। बूस्ट कॉइल लगाने पावर सप्लाई का जो कचरा आता है वहां से पुश करता है। बूस्ट कॉइल क्यों लगी होती है? बूस्ट करती है पर उसको प्योर डीसी में बूस्ट करता है, और प्योर डीसी कौन देता है? कैपेसिटर। इसलिए उसकी लाइन में लगा हुआ कैपेसिटर कभी भी क्या निकालना चाहिए? नहीं निकालना चाहिए। सो आपने कैपेसिटर पूरा बताया यहाँ पर। आप ये बताओ कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना एक महीने में कोई मिलना है, मेरे को डेढ़ महीने का छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएगा तो फिर मेरे को एक महीने के अंदर कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है, तो आपने हम पर भरोसा करके आए इंडिया में, और दिल्ली भी, और आप मुंबई जा सकते थे। आप फिर भी मैं एक बार पूछना चाहूंगा, क्यों आपने हम पर भरोसा किया यहाँ पर, क्या देखा आपने? सर मैं यूट्यूब पे डेढ़ साल से वो देख रहा था, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था आने के लिए। हाँ, तो मेरे को अभी ये टाइम मेरा नसीब में आ गया है। अच्छा, खुश नसीब हूँ। तो ये तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि आप खुश नसीब है कि आपको यहाँ पे सीट मिल गई, जो कि यहाँ पर हमारे दोस्त, हम दोस्तों बता देना चाहते हैं यूके और लंदन से हमारे पास में स्टूडेंट आया है, इंग्लिश जोरदार तारिया। सो दोस्तों इन्होंने बहुत अच्छा बताया। अब हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, आ थोड़ा यहाँ पे आ जाइए बीच में। सो आपका आपका नाम क्या है बताइए? आप कहाँ से आए हैं? एमपी से। सो एमपी में कहाँ से हैं? ओके, अच्छा ये बताइए कि डायोड कितने प्रकार के होते हैं? डायोड क्या काम करता है? मतलब प्रोटेक्शन। सो प्रोटेक्शन मतलब सीरीज और पैरेलल समझ में आता है आपको, चेक करना आता है। चलिए अच्छा ये बताइए कि जो डायोड होते हैं वो क्या हर जगह लगे होते हैं या कुछ ही जगह लगे होते हैं? हर जगह ही लगे होते हैं, क्योंकि हर जगह हर सेक्शन को प्रोटेक्शन चाहिए। और जैसे कि जीजा साले की बात की थी ना हमने, तो वही हमारे जीजा हो गया है डायोड, कि अगर नहीं भी होगा तो जरूरत नहीं है, पर अगर सीरीज में होगा तो जरूरत है कि नहीं जरूरत है? चलिए ठीक है, अब मुझे बताइए कि अगर चार्जिंग सेक्शन के वो सीरीज वाला डायोड निकल जाए तो क्या फॉल्ट आ सकता है? रिवर्स चार्जिंग। और अगर लाइट सेक्शन के निकाल दिया जाए तो क्या फॉल्ट आएगा? लाइट बंद हो जाएगी। डायोड को चेक कैसे करेंगे? बाकी अगर मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि अगर उसका लीकेज कंडीशन या शॉर्ट कंडीशन आप बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? यहाँ पर हाथ उठा के बताइए, यहाँ पर जो जो बता पाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। सो आपने यहाँ पर अच्छा एलईडी क्या होती है, कहाँ लगी होती है? और जेनर डायोड के बारे में बताइए कुछ। जेनर डायोड जो होता है वो हमेशा सीरीज में लगा होता है, और ये फिक्स वैल्यू की अपने वोल्टेज पास करता है। फिक्स वोल्टेज पास करता है। अच्छा मेरे पास में नॉर्मल एसएमडी में मैं जेनर डायोड पहचान सकता हूँ कि नहीं पहचान सकता हूँ? आप लोग बताइए नॉर्मल एसएमडी में जेनर डायोड पहचान लेंगे कि ना पहचान लेंगे? सही, ठीक है, थैंक यू। कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा लगा। क्या सोच के आए थे कि एमपी में? आप तो यार बाहर एमपी के लोग तो दिल्ली भागते हैं, आप मेरे पास क्यों आए जबलपुर में? काफी जगह सर्च किया पर मुझे काफी अच्छा लगा, लोगों का बच्चों का आउटपुट देखा, वो बिल्कुल दिल को संतुष्ट। आज आप ही दे रहे हो आउटपुट, तो अभी अपना आउटपुट मैच कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो उनसे? बिल्कुल मैच कर रहा हूँ, बिल्कुल प्रॉपर जो भी है वीडियो में देखता हूँ बिल्कुल सही रहता है।
जो भी देख रहे हैं तो वो बिल्कुल आप ये सोचिए कि जो ओरिजिनल यहाँ हो रहा है आप आएंगे तो भी एक ओरिजिनल ही मिलेगा। अच्छा आज मैंने आप लोग में से बहुत लोगों को आईफोन की एसी निकलवाई थी कि ना, तुमने कौन सी एसी निकाली थी? पावर एसी। और भी किसने क्या एसी निकाली थी? आपने कौन सी एसी निकाली थी? तो आपने कोई बॉल निकाला था क्या उसका? पहली बार निकाला था क्या आपने एसी? फर्स्ट टाइम निकाला था। कैसा एक्सपीरियंस? थैंक यू वेरी मच, इनके लिए ताली बजा दीजिए। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे मैं इनसे पूछूंगा आपका नाम क्या है? सर देवेंद्र गिरी। आप कहाँ से हैं? सर लखनऊ से। लखनऊ से हैं। अच्छा ये बताइए ट्रांजिस्टर कितने प्रकार का होता है? सर ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, पीएनपी और एनपी। ट्रांजिस्टर क्या काम करता है? सर स्विचिंग रेगुलेटिंग एंड एम्पलीफिकेशन का काम। ठीक है, अच्छा ये बताओ ट्रांजिस्टर कहाँ लगा मिलेगा? सर ट्रांजिस्टर मिलेगा सर पावर आईसी के पास और चार्जिंग सेक्शन। तो अगर मेरे को कोई ट्रांजिस्टर दिख रहा है, अगर मैं सर्किट डायग्राम की बात करूँ या फिर नॉर्मल पीसीबी की बात करूँ तो दोनों में मैं डिटेक्ट करना और उसको पहचानना आ जाएगा? यस सर। अगर ट्रांजिस्टर क्या क्या हो सकता है, शॉर्ट ओपन या जो लीकेज में क्या क्या हो सकता है उसमें ट्रांजिस्टर करूँ? ट्रांजिस्टर मुझे बताइए उसमें जो फॉल्ट आते हैं वो कौन से फॉल्ट आते हैं बताइए ट्रांजिस्टर में? ओपन आता, शॉर्ट आता, लीक आता, मतलब तीनों फोल्ड हो सकते हैं। तो तीनों फोल्ड पहचानना आपको बन जाएगा। आपको कैसा लगा यहाँ आके पढ़ के? सर बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। कैसा लगा यहाँ पे आके? सर बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मतलब आपने जो सोचा था वो आपको मिला यहाँ पर? यस सर, बहुत उससे बहुत ज्यादा मिला, उससे बहुत ऊपर मिला। सो थैंक यू वेरी मच, इनके लिए ताली बजा दीजिए। सो आप मेरे साथ एक स्टूडेंट है, आइए आपका नाम क्या है? राहुल गोरे। राहुल गोरे, आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र। आप महाराष्ट्र से। अच्छा ये बताइए कि कॉइल कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का। सारे कॉइल जो आप बता रहे हो, आप लोग ने जितने भी कंपोनेंट बता रहे हो जो मौखिक रूप से बलवड़ी, वो आपने प्रैक्टिकली चेक किए कि नहीं किए? किए कि नहीं किए? हाथ उठा के बताइए। हाँ जी, तो जोश, अगर हमारे अंदर जोश नहीं होगा तो हम जीवन में कुछ काम नहीं कर पाएंगे। एनर्जी आपकी लेवल एकदम टॉप लेवल की होनी चाहिए। सर ये बताइए कॉइल कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? नॉर्मल, ड्यूअल कपलर और बूस्ट कॉइल। अगर मैं आपको नॉर्मल, ड्यूअल कपलर और बूस्ट कॉइल अगर मैं आपसे पूछूं, आप बताइए किस कॉइल को जंपर नहीं मार सकते हैं? बूस्ट कॉइल को जंपर नहीं मार सकते। बाकी कॉइल को जंपर मार सकते हैं। एक कॉइल को चेक करने की कौन सी दो विधि है? दो विधि रहते हैं। कौन कौन सी? एक तरफ से बीप आती है, दूसरी तरफ से चेक करने के लिए 0.5 रहता है, 0.5 से 2.5। आप बताइए, अगर इन्होंने दो विधि बताई, तो ये दो विधि में अगर ये चीज नहीं हो रही है तो दो फॉल्ट भी होंगे। वो दो फॉल्ट क्या होंगे? एक तो सर लीकेज होगा उसमें और एक ओपन होगा। ओपन होगा क्या? शॉर्ट होगा क्या? क्यों? कॉइल शॉर्ट होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मतलब पहले से ही शॉर्ट रहता है, पहले से ही शॉर्ट रहता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर मुझे बताइए कि ड्यूअल कॉइल कहां लगे मिलेंगे? कैमरा सेक्शन में। आप, मैं एक जन कॉल खड़ा करूंगा आपको, आप आइए। सो आप मुझे बताइए आपका नाम क्या है? तो कपलर क्या होता है बताइए? कॉइल के कॉम्बिनेशन को कपलर बोलते हैं। चार कॉइल एक साथ होता है, कपलर होता है। कपलर को पहचानना आता है? कपलर सीरीज में होता है कि पैरेलल में होता है? सीरीज में होता है। कहाँ लगा होता है? और कैमरा सेक्शन में होता है, डिस्प्ले सेक्शन, कैमरा सेक्शन। अगर कपलर निकल जाए तो क्या होगा? तो जंपर मार सकते हैं। निकल जाए तो कैमरा एरर आएगा, नहीं तो डिस्प्ले में ग्राफिक्स नहीं आएंगे। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। मतलब क्या सोच के आए थे? पूरा फ्रेशर हूँ मैं। हाँ। सब आ रहे हैं अभी फ्रेशर हो? हाँ जी, मतलब बिल्कुल फ्रेशर हो और बिल्कुल आ रहा है समझ में। हाँ। सब चीज बन रही है यहाँ पर। चलिए ठीक है, इनके लिए ताली बजा दीजिए। मेरे साथ में यहाँ पर, अच्छा आप बताओ, आपने कभी मोबाइल रिपेयरिंग का काम किया था इससे पहले? सर नहीं, इससे पहले कभी कभी नहीं किया था। मतलब आप बिल्कुल नए हो। यस। चलिए मुझे बताइए कि एक मोबाइल फोन में हमें तीन चीज क्या दिखाई देती है? सर मोबाइल फोन में तीन चीजें, टिप्स, कंपोनेंट और आईसी। आईसी, अगर मैं आपसे रिसीवर, किसी भी फोन को, सर्किट डायग्राम नहीं है, पीबी नहीं है, कुछ नहीं है, अगर मुझे रिसीवर चेक करना है, रिंगर चेक करना है, तो मुझे सबसे पहले बताओ कि बिना चेक किए हुए मुझे क्या कंपोनेंट मिल सकते हैं? सबसे पहले क्या मिल सकते हैं? सर दो जीजा और तीन साले। दो जीजा और तीन क्या मिलेंगे? साले, जिनकी जीवन में जरूरत है भी और नहीं भी। और दो चप्पल, दो क्या देख रहे मिलेगी? दो चप्पल। दो चप्पल। सो अगर मैं आपको बोलूं कि कोई भी मोबाइल दूं, आप उनको ट्रेस कर पाएंगे, डायग्राम खींच पाएंगे? इससे पहले कभी काम किया था? तो आपने तीन चार दिन में इतना सब कुछ किया है, आपने दिन में कितने घंटे की क्लास ले रहे हैं यहाँ पर? सर दिन में 7 घंटे की तो हो जाती है। और रात में फिर क्लास बताओ? सर रात में राजेश सर आते हैं। राजेश सर हमारे, राजेश सर आइए थोड़ा। सो राजेश सर, क्या राजेश सर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? राजेश सर हमारे रात में आते हैं और 2:30 बजे तक क्लास लेते रहते हैं। और किनको पसंद है 2:30 बजे तक क्लास लेना यहाँ पर?
सबको पसंद है। अच्छा एक बताइए कौन की क्या फायदा है आपको यहाँ पर जो राइट क्लास आपको मिल रही है? सर रिवीजन हो जाता है, जो दिन भर पढ़ते हैं रात में उसका पूरा रिवीजन हो जाता है। एजन बोलो, कौन बोलना चाहता है एजन बताइए, आ जा बोलो। रिवीजन हो जाता है, हम अच्छे से याद कर लेते हैं। अच्छे से याद कर लेते हैं। तो राजेश सर जो आप जो भी आप पूछते हो वो पूरा बताते हैं कि नहीं बताते हैं? सब बताते हैं। राजेश सर क्या बोलना चाहेंगे इन लड़कों के लिए, कैसा है बैच इस बार? बहुत अच्छा बैच है, हम जो भी बताते हैं तो बहुत तत्परता से ही सुनते भी हैं समझते भी हैं, ऐसे हम पढ़ाने मतलब मेहनत कर रहे हैं। बहुत जरूरत है कि लाइफ में मेहनत करना, कैसा लग रहा है आप बताओ और एक्सपीरियंस बताओ अपना थोड़ा सा। सर यहाँ पे मुझे आके बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पहले भी दो इंस्टीट्यूट जा चुका हूँ। आप कहाँ के हैं? मैं लखनऊ से हैं। सो आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं, मतलब थोड़ा सा आप वही पढ़ चुके हैं। सो आपको वहाँ पर पूरा पढ़े आप 2-3 महीना जितना भी? सर एक इंस्टीट्यूट में पूरा पढ़। कितना महीना? सर 3 महीने। और यहाँ के 3 दिन में कितना अंतर है बताओ? सर बहुत बहुत ज्यादा अंतर है, मुझे तो ये लग रहा है मैं वहाँ जाके उल्टा पढ़ा सकता हूँ। ये ताली बजा दीजिए इनको, सच ये सच है। और मेरे साथ में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, एक आगरा का एक बेटा मनीष है जो वहां के पता नहीं किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ के आया और वो मेरे से बोल के गया था कि सर उस इंस्टीट्यूट में वहां जाके पढ़ाऊंगा, और अब कह रहे एक अलग बात है। तो अभी कैसा लग रहा है यहाँ पर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, जो चाह था उससे बहुत ज्यादा बढ़ के मिल रहा है यहाँ पर। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है, मैं चार्ज में सारे कंपोनेंट चेक करना सीख गया हूँ। ट्रेसिंग आती है कि नहीं आती है? ट्रेसिंग आ जाती है, बीबैक और बीएसआई की सप्लाई। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच है। और दोस्तों यही हमारा क्लास का आउटपुट था जो हमने 3-4 दिन का आपका हर महीने का बनाते हैं। ये उन बच्चों के लिए होता है जिनको नॉलेज नहीं है, या उन बच्चों के लिए होता है जो दूसरे इंस्टीट्यूट से आते हैं जिनको पता नहीं होता है कि 4 दिन में भी इतना सीखा जा सकता है। सो लोगों को लगता है कि 1 महीने में क्या सीखेंगे, तो ये है हमारे इंस्टीट्यूट का आउटपुट और जो कि हम आपको 1 महीने के बाद में सर्टिफिकेट के साथ दिखाएंगे। चलिए जाते इसी तरह, अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और जाते जाते एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, क्या इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया के नंबर 1 बनने वाले स्टूडेंट कौन है? 28 जून मैच। सर ये मैंने अभी अपनी लाइफ में लगभग 10 साल तो हो चुके थे काम करते, और मेरे को कंपोनेंट का बेसिक नॉलेज भी नहीं था, और पैरेलल सीरीज और ये कंपोनेंट के बारे में मेरे को यहीं पे आके, और वो भी दो दिन में यहाँ पे आके आपको कंपोनेंट की नॉलेज हो जाती है। मेरे कहने से तो आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, एशिया टेलीकॉम को चुनो और कामयाब रहो। सबसे अच्छा सिखाते हैं और बहुत अच्छा सिखाते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम देते हैं, आपको गाइडेंस बहुत अच्छा मिलेगा। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हैं? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी। अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन चार्जिंग सेक्शन, मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पर भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पर टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। सर जैसा सोचा था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, बहुत अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, ये तो नहीं। तो आपने 2 दिन पहले आया था तो सर ने बोला था कि 2 दिन के बाद ही फीस लेके 2 दिन डेमो क्लास देने के पहले हमको समझ गया कि ये कैसा है सर सिखाते हैं। मैं पहले से थोड़ा काम करता था लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पूरा मतलब कंप्लीट नॉलेज मिल गया यहाँ। मतलब कोई भी अगर सीखना चाहता है तो एशिया टेलीकॉम में आए, और जो ये सर बोलते हैं कि हम प्रैक्टिकल करवा दिखाते हैं, सब प्रैक्टिकल और सब सही तरीके से नॉलेज देते हैं ट्रेसिंग वगैरह का। बहुत से जगह पे इंटरव्यूड है जो अपने को आधा अधूरा नॉलेज देते हैं, तो उनको ट्रेसिंग वगैरह सिखाया नहीं जाता है। मैं यहाँ के अच्छा ट्रेसिंग सीख गया हूँ, और कोई भी फॉल्ट रहेगा तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। कंफ्यूजन तीसरे दिन में पूरा कंपोनेंट नॉलेज पूरा आ गया फुल, मतलब मोबाइल के मदरबोर्ड में जो भी कंपोनेंट होते हैं पूरी नॉलेज मिल गई। फिर आगे अभी 10-12 दिन हो गए उसमें तो पूरा हार्डवेयर का पूरा कोर्स हो गया, अभी हार्डवेयर का कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो सर बना लेंगे। अच्छा 2 दिन आपको जब तक था क्या आपसे पैसे लिए गए? नहीं सर 2 दिन के कोई पैसे नहीं लिए, रात तक 7-8-9 बजे तक क्लास चली दोनों दिन। अच्छा, और फिर 7 बजे तक यहाँ से क्लास चलती थी, फिर रात में भी क्लास चलती थी हॉस्टल में, 12-1 बजे तक क्लास चलती थी। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे ना कि फेक, वो एहसास हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है जो भी बोल रहे हो वो दिल से है, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि
सर पीसीबी जो होती है ना हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। सीरियस? हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीज़ें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज़ नहीं है। अब कन्फर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। हाँ, पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के ही रहे हैं। सही बात, पता नहीं चलता है। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल आया तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहाँ से शुरू करें। तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो ऐसा भी हो रहा था, फेसबुक भी आ रहा था जो तरक्की बना रहा था, अच्छा मोबाइल बना के लिए टेक्नीशियन लोग, तो उनको नए रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे। तो मैं यहाँ पे गए हुए जो दो तीन स्टूडेंट थे उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है, नॉलेज लिया मैंने। हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना मिल गई। अच्छा देते थे तो लगता था एक हिसाब से, हाँ वीडियो देख के नॉलेज दे। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगा और मेरे को अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का। हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में लिखता था, उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सीखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो करते मतलब हम बोले सर हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा दिल उड़ रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं। मतलब जब ये भी मुझे घास में बोलना है कहेंगे तो ये बोलना नहीं, जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे, कोई हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो मतलब हमें ऐसा फील हो, हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है चुना जाए, तो मैंने फिर रेडियो नेपाल वहाँ पे आया, तो फिर टेलीकॉम को चुना। तो आप सेटिस्फाई हैं? सर 100% सेटिस्फाइड है, अब यहाँ से जाके सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और आगे को फॉलो कर सकता हूँ। सर अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद आ सकता हूँ, उसमें मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, आगे चल के मेरा हो सकता तो मैं अच्छा सा एक स्कूल खोल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर काम की व्यवस्था की, मैं हर एक फॉलो को फॉलो कर सकता। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुस नहीं मतलब इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और देखो मैंने अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज हमने फिर सुनी कल। हाँ सर, जो कल नए बच्चे जो आए थे। नहीं, नहीं, अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैंने और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सभी ने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, वो मैकेनिक नहीं होता है जिसका वो अंदर का ट्रैक उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Amazon 1001 and 2845 Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 964-413-9972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.
an ISO 9001 and 2008 certified institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.